नमस्कार। तो कल गुजरात के मोरबी में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ और उस दर्दनाक हादसे में बहुत सारे लोगों की जान गई, 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई। और उसका रीज़न तो आप सबको अब तक मालूम ही चल गया होगा, ब्रिटिश एरा का जो एक ब्रिज था वो कोलैप्स कर गया और उसके कारण उस पर जितने भी लोग मौजूद थे सब लोग नीचे गिर गए। कुछ लोग पानी में गिरे, कुछ लोग ज़मीन के ऊपर गिरे, उसके कारण 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। अब इस पूरे ब्रिज के कोलैप्स होने का जो एक्चुअल रीज़न है वो किसी को भी पता नहीं है, बट जो चीज़ें मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये देखा जा सकता है कि कुछ लोग उस ब्रिज को बार बार हिलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो ब्रिज है वो बार बार हिलने के कारण, रेजोनेंस के कारण, उस ब्रिज के वायर में जो टोटल टेंशन है वो बढ़ जाता है और उसके कारण प्रोबेबली जो ब्रिज होता है वो कोलैप्स कर जाता है। और ये जो पूरा सीन था वो सीसीटीवी के अंदर रिकॉर्ड हो गया, वरना जो लोग थे वो तो यही कहते कि ये जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की लापरवाही से हुआ है। बिल्कुल हम मानते हैं कि इसमें सरकार की लापरवाही है, गवर्नमेंट की लापरवाही है, जो वहाँ पे ऑफिशियल्स मौजूद थे उनकी लापरवाही है, लेकिन कुछ तो और रीज़न ज़रूर रहा होगा जिस कारण ये पूरा का पूरा ब्रिज गिरा। अब गलती चाहे किसी भी की हो, जो इनोसेंट लोग थे उनकी जान तो गई, जिनकी जान गई है क्या वो वापस आ सकती है? नहीं आ सकती है। जीवन अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। तो हम लोग ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि किसी और के कारण किसी की मृत्यु हुई, किसी और के कारण किसी की जान गई। जान तो गई है ना। फिर ये पता चलता है कि वो जो पूरा का पूरा ब्रिज था उसके ऊपर जो उसका पोटेंशियल है उससे ज़्यादा लोग मौजूद थे। कहा जाता है कि ये जो ब्रिज है ना वो अंग्रेज़ों के ज़माने का है और वहाँ पे करीब करीब उसका जो कैपेसिटी है वो 100 से 150 लोगों के आसपास है, लेकिन वो जो ब्रिज है उसके ऊपर उस दिन 500 के आसपास लोग मौजूद थे और ऊपर से कुछ लोग मस्ती के लिए या फिर जानबूझकर उस ब्रिज को बार बार हिला रहे थे, जिसके कारण जो टेंशन था वो और बढ़ गया और ब्रिज कोलैप्स कर गया। अब ये जो ब्रिज है ना ये आकर्षण का केंद्र था, इसके ऊपर जाने के लिए लोगों को टिकटें खरीदनी पड़ती थी। अब समझ में ये नहीं आता है कि जो ब्रिज वाला है जो टिकट काटता है उसने 100 या 150 या फिर जो भी इस ब्रिज का कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोगों को टिकट कैसे दे दिया, किसके कहने पे दिया और क्यों दिया। फिर उसके बाद ये चीज़ें सामने आई कि ये जो ब्रिज था ना वो अभी भी रिनोवेट हो रहा था, वो कम्प्लीट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इसे खोलने की अनुमति दे दी गई, जबकि वहाँ का जो गवर्नमेंट है उसका कहना है कि हमने खोलने की इसको अनुमति दी ही नहीं है। तो गवर्नमेंट के नाक के नीचे से इसको ओपन कैसे कर दिया गया और वहाँ पे टिकट कैसे बेचा जा रहा है? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ हर एक तरफ से गलती हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से भी गलती हुई है, वहाँ पे जो ऑफिशियल्स रहते हैं उनकी तरफ से भी गलती हुई है और जो लोग उस ब्रिज के ऊपर मौजूद थे उनकी तरफ से भी गलती हुई है। जब लोगों को ये पता है कि उस ब्रिज के ऊपर जो कैपेसिटी है वो 100 से 150 लोगों की है, तो इतनी ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पर गए क्यों? और वहाँ पर गए भी तो वो लोग जो इस पूरे ब्रिज को हिला रहे थे वो कौन थे? क्या वो किसी पार्टी के द्वारा भेजे गए लोग थे? क्या ये कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड मूव हो सकता है? फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई जो लोग ब्रिज के ऊपर खड़े थे, जो लोग इस ब्रिज को हिला रहे थे, उनको भी तो अपनी जान की परवाह होगी, उनको भी तो पता होगा कि अगर इस ब्रिज को ज़्यादा हिलाया गया तो ये गिरेगा और गिरेगा तो लोग मरेंगे और वो भी मरेगा जो इस ब्रिज को हिला रहा था। अब जब मैं ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे कुछ ये ट्वीट्स नजर आए। इस ट्वीट में देखा जा सकता है कुछ जो पॉलिटिशियंस है वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा गुजरात के अंदर, ये जो पूरा पॉलिटिकल गेम है इसमें बहुत बड़ा धमाका होगा। अब इस ट्वीट को देखने के बाद और उन लोगों के वीडियो को देखने के बाद जो कि पुल को हिला रहे थे और फिर ब्रिज गिर जाता है और बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है, मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि क्या इस ट्वीट का, इस वीडियो का और इस पुल के गिरने का कोई रिलेशन है? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा।